वेडिंग सीजन तो स्टार्ट हो चुका है, आप में से कई लोगों ने दो चार वेडिंग तो अटेंड ही कर ली होंगी। मुझे पता है इस वीडियो को लाने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन अभी बहुत सारी वेडिंग पेंडिंग है जिनमें आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम इन माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और सबसे अच्छी ड्रेस इनमें से कौन सी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम हल्दी से। हल्दी के लिए मैंने ये मस्टर्ड येलो कुर्ता एंड पैंट शर्ट परचेस किया। इसकी क्वालिटी एंड लुक देखिए कितना अच्छा है। ये पूरा जो क्लोथ है वो रियॉन है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ एंड कंफर्टेबल क्लोथ है, और इसकी फिटिंग थोड़ी सी लूज है। वैसे ये साइज बिल्कुल करेक्ट है, मैंने एम साइज में लिया था और ये एम ही है, बट थोड़ा सा ये लूज है और मैं लूज ही चाहती थी बिकॉज मैं इंस्पायर्ड हूँ इस वायरल गर्ल से। मुझे ऐसा ही सूट चाहिए था और ये डिट्टो वैसा ही है, थोड़ा सा कलर में चेंज है। ये सभी ड्रेसेस मैंने अमेजोन से लिए। अमेजोन पे अभी वार्डरोब रिफ्रेश सेल लाइव है, जहां पे आपको फैशन में 40-80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे कि इस कुर्ता सेट का नॉर्मल प्राइस है 3000 रुपीज, बट अभी आपको इस पे 75% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये सिर्फ आपको 750 रुपीज में मिल रहा है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल रही है। फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, इस तरीके के छोटे छोटे फ्लावर प्रिंट है। ये फॉइल प्रिंट है जो कि गोल्डन एंड ब्लू में है, पूरे फ्रंट में भी और सेम बैक साइड में भी। थर्ड फोर स्लीव्स हैं और स्लीव्स में एंड में इस तरीके से गोल्डन प्रिंट है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, मैंने साइड में क्लिप अटैच कर दी है, आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी लेंथ में काल्फ लेंथ है ये, और कुर्ते में मिड में कटिंग है। ये इसका पैंट है, सेम कलर है। इसकी ये जो थिक इलास्टिक है बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर आप थिन इलास्टिक वाले पैंट या सलवार पहनते हैं तो आपकी वेस्ट में चुभता है, तो ये कंफर्टेबल है। इसका कपड़ा भी रियॉन है, और इसमें सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि दोनों साइड में पॉकेट है। मेरी मम्मी स्पेशली पॉकेट बनवाती है प्लाजो या पैंट में बार बार दर्जी से बोल के, बट यहाँ पे आपको एक नहीं दो पॉकेट मिलेंगी। हाँ, इसके साथ दुपट्टा नहीं है, दुपट्टे की आपको जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि कुर्ता मैंने थोड़ा सा लूज लिया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा ज्वेलरी वेयर करने की भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ बैंगल ब्रेसलेट या फिर बड़े बड़े इयररिंग्स ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने स्टाइल किया, आप चाहें तो सेम स्टाइल कर सकते हैं या फिर आप इसमें अदर ज्वेलरी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मेहंदी। मेहंदी के लिए मैंने डार्क ग्रीन कुर्ता सेट परचेज किया। अभी हम कुर्ता सेट एंड ड्रेस की बात करेंगे। वेडिंग लहंगे की वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगी क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा लहंगे की प्रिपरेशन में। इस वीडियो में मैंने सिर्फ रेडी टू वियर ड्रेस ही चूज की है। इस कुर्ता सेट को आप मेहंदी वाले दिन वियर कर सकते हो। इसका कलर बहुत ही प्यारा है और इसमें व्हाइट की इस तरीके से स्ट्रिप लगी हुई है नेक में, जो कि इसे बहुत स्टाइलिश लुक दे रही है। इसके स्लीव्स मुझे बहुत पसंद आए, स्लीव्स बहुत ही अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग है। यहाँ पे नेट का यूज किया गया है और ये व्हाइट एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है इसमें, और इस तरीके से आपको बॉटम में भी एम्ब्रॉयडर्ड वर्क मिलेगा। सेम नेट का यूज किया गया है और नीचे वही स्ट्रिप यानी कि लेस को इन्होंने अटैच कर दिया है, तो कुर्ता बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रहा है वियर करने के बाद। इसका जो क्लोथ है वो कॉटन ब्लैंड है, बहुत ही कंफर्टेबल है, विंटर के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि फैब्रिक थोड़ा सा थिक है तो आपको विंटर से भी प्रोटेक्ट करेगा। लेंथ इसकी काल्फ लेंथ में है, नी से नीचे तक जाएगी, तो ये इसका सिंपल सा कुर्ता है। अगर आप इसमें हैवी ज्वेलरी ऐड करते हैं या सिंपल ज्वेलरी भी ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा लुक मिलेगा। इसके साथ हमें पैंट और दुपट्टा भी मिलता है जो कि सेम ही कलर में है, तो ये इसका पैंट है, इसमें भी थिक इलास्टिक लगी हुई है, और इसमें हमें दो नहीं सिर्फ एक पॉकेट मिलेगा। एक साइड पे यानी राइट साइड पे आपको पॉकेट मिलेगा, बट एक ही काफी है मेरे लिए क्योंकि बहुत जरूरी होता है। बीच में मेरे कानों में दर्द हो रहा है, मैंने इयररिंग उतार दिए, मांग टीका उतार दिया, या मेरे हाथ में लूज कॉइंस हैं तो मैं पॉकेट में रख लेती हूँ, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा मेरे लिए। और ये इसका पूरा पैंट है, पैंट के बॉटम में सेम इन्होंने वैसे ही डिजाइन का यूज किया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुर्ता वैसे सिंपल है लेकिन ये जो इन्होंने डिजाइन इसमें ऐड कर दिया ना, इसकी वजह से थोड़ा स्टाइलिश एंड एलिगेंट लुक मिल रहा है। तो यहाँ पे नेट का यूज किया गया है, सेम ही इन्होंने वो लैस यानी कि एम्ब्रॉयडर्ड वर्क यहाँ पे यूज किया गया है। ड्रेस से भी प्यारा इसका दुपट्टा है, दुपट्टा वैसे तो नेट में है बट पूरे दुपट्टे पे साइड में इस तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है व्हाइट में, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। चौड़ाई तो इसकी ज्यादा नहीं है, चौड़ाई इसकी 1/2 मीटर होगी, 1/2 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन जो लेंथ है वो 2.5 मीटर है, यानी कि लेंथ इसकी बहुत अच्छी है। तो ये दुपट्टा है और आप देख सकते हैं फाइनल लुक, मैंने साइड में क्लिप अटैच कर दी है, वियर करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसके साथ व्हाइट या ग्रीन ज्वेलरी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसके साथ सिल्वर ज्वेलरी को भी कंबाइन कर सकते हैं, और इस पे भी आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डोंट मिस दिस चांस बिकॉज सेल में ड्रेस भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। संगीत के लिए मैंने कुर्ता सेट नहीं ये शर्ट परचेज की। अब सिर्फ शर्ट को कैसे मैं वियर करूंगी, रुको जरा सबर करो, अभी बताती हूँ। ये सैटिन शर्ट है, 100% जो इसका फैब्रिक है वो सैटिन में है, तो ठंड तो लगनी नहीं है, आप बिना स्वेटर या जैकेट के इसे वियर कर सकती हो।
फुल इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स बहुत ही अच्छी हैं और इसकी जो ये कफ्स है ना ये बहुत ही थिक हैं और इनमें दो इस तरीके से बटन्स यूज किए हैं जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं। इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी है तो लाइट में काफी शाइन करे। नेक इसका कॉलर टाइप ही है और ओपन है थोड़ा सा ताकि इसमें आप जूलरी भी ऐड कर सकते हो। इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है तो आप चाहे तो इसे अटक करके वियर करें या फिर आप इसे ओपन भी वियर कर सकते हैं। तो संगीत के लिए मुझे एक इंडो वेस्टर्न लुक चाहिए था तो इस शर्ट के साथ मैंने परचेज किया एक स्कर्ट जो कि समथिंग ग्रीन एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन है। तो ये है वो प्यारी सी सुंदर सी एथनिक स्कर्ट। इसका फैब्रिक सिल्क है, इसका फ्लेयर बहुत ही अच्छा है, फ्लेयर बहुत ही ज्यादा है। तो आप इसे गोल्डन ब्लाउज के साथ या ब्लू ब्लाउज के साथ या ग्रीन ब्लाउज के साथ भी आराम से वियर कर सकते हैं। मेरा जो शर्ट का कलर है वो समथिंग ऐसा है तो इसलिए इसके साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। मैंने इसे 30 साइज में परचेज किया और ये वेस्ट से बिल्कुल अच्छे से फिट आ रहा है। इधर से प्लेन पट्टी है और इधर से यहाँ पे इलास्टिक का यूज किया गया है। इसकी जो टोटल फ्लेयर लेंथ है वो 5 मीटर है और ये इस तरीके से कलियों में बनाया गया है, बहुत ही सुंदर लुक देता है। जरूरी नहीं कि आप इसे शर्ट के साथ ही पेयर करें, आप इसके साथ टी शर्ट एंड ब्लाउज को भी पेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत बहुत पसंद आया और इसकी जो स्ट्रेट लेंथ है वो भी बहुत अच्छी है और इसके अंदर ना लाइनिंग का भी यूज किया गया है तो ऐसा नहीं कि ये थिन है, अंदर से इन्होंने सेम अस्तर यानी कि लाइनिंग का यूज किया है जो कि ऑलरेडी काफी थिक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बॉटम में पूरे बॉटम में इस तरीके से इन्होंने गोल्डन लेस का इस्तेमाल किया है। इसका लुक मुझे बहुत ही पसंद आया, मैंने इस तरीके से इसे कुछ स्टाइल किया। मैंने इसे सिर्फ 699 रुपीज में परचेज किया, वैसे इसका नॉर्मल प्राइस 1500 है बिकॉज इसकी क्वालिटी आपको बहुत पसंद आएगी, लुक तो काफी अच्छा है। बट अभी वार्डरोब रिफ्रेश सेल चल रहा है तो इसलिए आपको इस पे 55% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंक मेंशन कर दिए। और अब मैं शेयर करने जा रही हूँ थोड़ी चटक मटक वाली ड्रेस यानी कि वेडिंग कुर्ता सेट। वेडिंग के लिए सिलेक्ट किया है मैंने ये कुर्ता सेट और ये है इसका कुर्ता। नेक वर्क आपको बहुत इम्प्रेस करेगा, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर बात करें क्वालिटी की तो क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी है। इसका फैब्रिक सिल्क फैब्रिक है और डबल है, अंदर लाइनिंग का भी यूज किया गया है क्योंकि फैब्रिक हल्का सा थिन था तो इसलिए लाइनिंग भी अटैच कर दी गई है। इसके साथ ही स्टिच है और ये इसकी स्लीव्स हैं जो कि 3-4 स्लीव्स हैं। स्लीव्स में लास्ट में इस तरीके से प्लेट का यूज किया गया, स्ट्रिप का यूज किया गया जिसपे गोल्डन प्रिंट। और कुर्ता मुझे बहुत पसंद आया, कुर्ते की लेंथ भी बहुत अच्छी है, वेडिंग में बहुत अच्छा लुक मिल रहा है। मैंने इसे इस तरीके से स्टाइल किया है, इसके साथ मैंने रेड ज्वेलरी ऐड की है बिकॉज पिंक पूरा पिंकी हो जाता है तो इसलिए मैंने इसके साथ रेड ऐड कर दिया। आप चाहें तो गोल्डन ज्वेलरी भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसके साथ ग्रीन ज्वेलरी को भी ऐड कर सकते हैं। इसका नेक भी बहुत अच्छा लगा, ये देखिए नेक का जो स्टाइल है ना बहुत सुंदर है और ये मैंने एल साइज में परचेज किया। इसकी पूरी काल्फ लेंथ है, काल्फ लेंथ में है और इसके साथ आपको पैंट नहीं प्लाजो में शाइनिंग सिल्क का यूज किया गया है। वेस्ट में इलास्टिक है जो कि काफी कंफर्टेबल है, प्लाजो की लेंथ भी बहुत अच्छी है और जो ब्रॉड है वो भी बहुत अच्छी है, आई मीन बहुत कंफर्टेबल है। फाइनल लुक मैंने इस तरीके से क्रिएट किया, आप देख सकते हैं वीडियो में काफी अच्छा लुक मिल रहा है। इसका दुपट्टा मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा, दुपट्टा नेट में है और किनारे पे इस तरीके से गोल्डन लेस अटैच है पूरे दुपट्टे में ही। इसकी ये जो है ना चौड़ाई वो थोड़ी सी कम है, दुपट्टा हल्का है बट जो लेंथ है वो पूरी 2.5 मीटर है, लेंथ इसकी बहुत अच्छी है। तो थोड़ा सा दुपट्टा हैवी होता तो इसके साथ ज्यादा मैच करता, बट कोई नहीं, फाइनली बहुत अच्छा लुक मिल रहा है और काफी अफोर्डेबल भी है। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये कुर्ता सेट जो कि मैंने लिया है रिसेप्शन के लिए। इसका कलर बहुत ही प्यारा है, डार्क ब्लू कलर है और इसका नेक डिजाइन बहुत ही प्रिटी है। मैंने जस्ट अभी ओपन किया है, सीरियसली मुझे बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ पे ये सिल्वर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, नेक डिजाइन से ही पूरा कुर्ते का लुक चेंज हो रहा है। राउंड नेक है, आप इसके साथ कोई भी हैवी ज्वेलरी ऐड कर सकते हो और ये इसकी 3-4 स्लीव्स है। स्लीव्स में भी सिल्वर लेस का यूज किया गया है, लेंथ इसकी बहुत अच्छी है, क्लोथ इसका कॉटन ब्लैंड है, बहुत ही कम्फी एंड सॉफ्ट क्लोथ है और इस तरीके से बॉटम में किनारों पे सिल्वर लेस का यूज किया गया है। देखिए क्लोथ की फिनिशिंग कितनी अच्छी है, बिल्कुल स्मूथ, बहुत ही प्यारा आई कैचिंग कलर है इसका। इस तरीके से पूरे में ही सिल्वर लेस लगा हुआ है, बैक में क्लोज नेक है इस तरीके से। ये इसका पैंट है सेम कलर में, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है और पैंट में बॉटम में इस तरीके से वही सिल्वर लेस का यूज किया गया है। वेस्ट में इलास्टिक है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है और इसमें भी वन साइड आपको पॉकेट मिलता है,
बहुत बड़ा पॉकेट है, आपका फोन आराम से आ जाएगा। और इसका भी जो क्लोथ है वो कॉटन ब्लैंड ही है, बट इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। सभी ड्रेस में सबसे अच्छा दुपट्टा इसका ये, पूरे दुपट्टे में इस तरीके से डबल लैस लगा हुआ है, यानी ये स्ट्रिप लगी हुई थी जिसमें लैस अटैच है। ये इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई इसकी बहुत अच्छी है, 1 मीटर से ज्यादा है। और इसकी लंबाई भी बहुत अच्छी है, लंबाई अप्रोक्स इसकी 2.5 या फिर 3 मीटर है। और ये जो पूरा दुपट्टा है ना वो सिफोन में है, इसमें शाइन भी बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट दुपट्टा है। ये देखिए, आप जैसे चाहें वैसे कैरी कर सकते हैं। मोस्टली जो दुपट्टे होते हैं ना वो मतलब बार बार उन्हें सेट करना पड़ता है, लेकिन आप इसे जैसे कैरी कर लेंगे, जैसे सेट कर लेंगे, वैसे ही सेट रहेगा। तो मुझे इसका दुपट्टा बहुत पसंद आया, प्राइस भी इस ड्रेस का बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं कि आप रिसेप्शन या वेडिंग के लिए ही यूज, आप फैमिली फंक्शन या फिर फेस्टिवल में भी वियर कर सकते हैं, बिकॉज अभी मकर संक्रांति या लोहरी वगैरह भी आने वाली है, तो डेट टाइम भी आप इसे वियर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लुक मिलेगा। और अभी तो सेल लाइव है तो आपको अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ब्लैक सेक्सी गाउन कॉकटेल पार्टी के लिए। पहली बात तो इसका प्राइस बहुत ही कम है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसे परचेज किया है। एक तो सेल चल रहा है, दूसरा वैसे भी ये कम प्राइस में, बट इसका लुक बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत प्यारा लग रहा है वियर करने के बाद। इसका क्लोथ पॉलिएस्टर है, तो आप विंटर में आराम से वियर कर सकते हो। आपको आप चाहे तो इसके ऊपर जैकेट वगैरह वियर कर लो, बट जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी स्लीव्स भी अच्छी हैं। और ये जो इन्होंने यहाँ पे नेट की फ्रिल यूज किए ना, ये इसके लुक को टोटली चेंज कर रहा है, मतलब बहुत सेक्सी वाला लुक मिल रहा है। और आप इसे पार्टी, टेल पार्टी या बर्थडे पार्टी में वियर कर सकते हो। इसकी लेंथ फुल लेंथ में है ये, और साइड से छोटी सी स्लिट भी है जो कि बहुत सेक्सी वाला लुक प्रोवाइड कर रही है। तो आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, मैंने साइड में क्लिप अटैच कर दी है, आप इसका फुल लुक भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसे स्टाइल किया है, और एक सस्ती सी ड्रेस कैसे आपको रिच वाला लुक दे रही है। तो ये थी हमारी पूरी वेडिंग शॉपिंग जो कि मेहंदी से लेके कॉकटेल पार्टी तक है। तो आई होप कि इसमें से कुछ तो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अभी आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर सकते हैं, क्योंकि वार्डरोब रिफ्रेश सेल लाइव है, तो यहाँ पे आपको 40-80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप इन ड्रेस को परचेज कर सकते हो। तो इनमें से सबसे अच्छी ड्रेस आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्द ही मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।